Welcome to our channel. Please subscribe us. ग्रीन टी पीने के फायदे एवं नुकसान जरूर सुने और तय करें कि आप ग्रीन टी लेना चाहते हैं या नहीं। अपने शरीर के लिए आवश्यक एवं जरूरी निर्णय वक्त रहते जरूर ले। वक्त निकल जाने पर कोई इलाज आपके काम नहीं आएगा। आज के टाइम में बीमारियों ने हम सभी को चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए सभी अपने इम्यून सिस्टम को दुरुस्त बनाने के लिए कई तरह के नुस्खे अपना रहे हैं, साथ ही स्वस्थ रहने के लिए अपने खानपान में परिवर्तन कर रहे हैं। ग्रीन टी एक ऐसी युक्ति है जिसमें कई गुण हैं और जो आसानी से बाजारों में मिल जाती है। ग्रीन टी सर्वाधिक मोटापे को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ग्रीन टी के सेवन से मनुष्य के ब्रेन सिस्टम एवं इम्यून सिस्टम भी दुरुस्त होते हैं, साथ ही शरीर फुर्तीला बनता है। इसका सेवन एक नियमित मात्रा में ही करें। अत्यधिक मात्रा में ग्रीन टी कई व्यक्तियों के लिए हानिकारक भी हो सकती है, पर यह शरीर की तस्वीर पर निर्भर करता है, इसलिए किसी एक स्पिट की सलाह जरूर ले। वैसे भी आज के मिलावटी वक्त में किसी एक स्पिट की सलाह एवं जाँच पड़ताल के बिना कुछ भी लेना सही नहीं है। ग्रीन टी के फायदे। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से युक्त है। ग्रीन चाय में तीन महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, जिनमें ओआरएसी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंसी कैपेसिटी EGCG, EPIGALLOCATECHIN3 गैलेट एवं पॉलीफेनॉल शामिल हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट कैटेकाइन से भरपूर है। यह एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विटामिन सी एवं विटामिन ई की प्रचुर मात्रा है, अतः इसे सबसे उपयुक्त एंटी एजिंग पदार्थ माना जाता है। EGCG एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि शरीर की पुरानी बीमारियों से भी आसानी से लड़ लेता है। ग्रीन टी मृत्यु दर को कम करने में सहायक होती है। शोध द्वारा ज्ञात हुआ कि ग्रीन टी पीने वालों को मृत्यु का खतरा अन्य की अपेक्षा कम रहता है। ग्रीन टी से हृदय रोगियों को राहत मिलती है, इससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है और आज के समय में हार्ट अटैक से ही अधिक मृत्यु होती है, जिस पर उम्र का कोई बंधन नहीं रह गया है। इस तरह ग्रीन टी मृत्यु दर को कम करती है। ग्रीन टी इन समय भी फायदेमंद होती है। एक शोध के अनुसार ग्रीन टी से ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी का खतरा 25% तक कम होता है। यह कैंसर विषाणुओं को मारता है और शरीर के लिए आवश्यक तत्व को शरीर में बनाए रखता है। ग्रीन टी से वजन कम होता है। ग्रीन टी से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे उपापचय की क्रिया संतुलित होती है और शरीर का एक्स्ट्रा वसा कम होता है और इससे वजन कम होता है और साथ ही ऊर्जा मिलती है। ग्रीन टी मधुमेह के रोगियों के लिए भी फायदेमंद है। ग्रीन टी के सेवन से मधुमेह रोगी के रक्त में शर्करा का स्तर कम होता है। मधुमेह रोगी जैसे ही भोजन करता है, उसके शर्करा का स्तर बढ़ता है। इसी लेवल को ग्रीन टी संतुलित करने में सहायक होती है। ग्रीन टी से रक्त का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ग्रीन टी से शरीर का हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कम होता है और लाभकारी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बनाए रखता है। ग्रीन टी ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए फायदेमंद है। ग्रीन टी के सेवन से शरीर का ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बनाए रखता है। अल्जीरिया एवं पार्किंसन जैसे रोगियों के लिए ग्रीन टी फायदेमंद होती है। ग्रीन टी के सेवन से अल्जीरिया एवं पार्किंसन जैसी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती हैं। ग्रीन टी ब्रेन सेल्स को बचाती है और डैमेज सेल्स को रिकवर करते हैं। ग्रीन टी दांत के लिए भी फायदेमंद होती है। ग्रीन टी में कैफीन होता है, जो दांतों में लगे कीटाणुओं को मारता है, बैक्टीरिया को कम करता है, इससे दांत सुरक्षित होते हैं। ग्रीन टी के सेवन से मानसिक शांति मिलती है। ग्रीन टी में टेनाइन होता है, जिससे इम्यूनो एसिड बनता है, जो शरीर में ताजगी बनाए रखता है। इससे थकावट दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। ग्रीन टी से स्किन की केयर होती है। ग्रीन टी में एंटी एजिंग तत्व होते हैं, जिससे चेहरे की झुर्रियां कम होती हैं और चेहरे पर चमक और ताजगी बनी रहती है। इससे सन बनने भी राहत मिलती है। स्किन पर सूर्य की तेज किरणों का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, अतः इसका अत्यधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। कैफीन की
अधिक मात्रा मेटाबोलिज्म में आती है, जिससे कई लाभ मिलते हैं जो ऊपर दिए गए हैं, लेकिन अधिक मात्रा में कैफीन भी शरीर के लिए गलत हो सकता है, खासतौर पर गर्भवती महिलाएं या जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं, उनके लिए ग्रीन टी सही नहीं है क्योंकि इससे आयरन और फोलिक एसिड कम होता है। ग्रीन टी को अदरक, नींबू एवं तुलसी के साथ लेना और भी फायदेमंद होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन टी में कैफीन होने से इसके सारे गुण अवगुण हो जाए, लेकिन किसी भी चीज की अधिकता नुकसान का रूप ले लेती है ग्रीन टी के नुकसान। ऐसे तो ग्रीन टी बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसमें कैफीन की मात्रा सदैव संदेह में डालती है। ग्रीन टी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ग्रीन टी के अधिक सेवन से इसकी आदत हो जाती है और फिर न मिलने पर मन चिड़चिड़ा हो जाता है, थकावट लगती है, ग्रीन टी से नींद कम हो जाती है। ग्रीन टी के अधिक सेवन से लीवर एवं किडनी में परेशानी हो सकती है। ग्रीन टी से भूख में भी कमी हो जाती है। ग्रीन टी कम उम्र के बच्चों के लिए यह ठीक नहीं है, यह बढ़ती उम्र के लिए गलत साबित हो सकती है। ग्रीन टी उन महिलाओं के लिए भी नुकसानदेह है जो गर्भ धारण करना चाहती है। ग्रीन टी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अधिक हानिकारक होती है। ग्रीन टी से भूख कम लगती है, जिससे बच्चे को भी पोषक तत्व नहीं मिलते। ग्रीन टी के सेवन से बच्चे के वजन में कमी आती है। ग्रीन टी के सेवन से भ्रूण की मृत्यु भी हो जाती है, बच्चे की प्रीमैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। ग्रीन टी के फायदे एवं नुकसान जानने के बाद ही आप निर्णय लें कि आपको पीना चाहिए या नहीं। अगर आप रोजाना टी लेते ही हैं, तो आप उसे आसानी से ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं। रोजाना 2 कप ग्रीन टी शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इससे वजन कम होता है, साथ ही ऊर्जा भी मिलती है। ग्रीन टी भी दूसरी चाय की तरह आपको ताजगी देती है, लेकिन इसके अन्य कई फायदे हैं, खास तौर पर यह वजन कम करने में सहायक होती है क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे भोजन वसा के बजाय ऊर्जा में ज्यादा बदलता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है। साथ ही यह भूख को काम करता है। यह उनके लिए फायदेमंद है जो ज्यादा कैलोरी खाते हैं और जिनका वजन अधिक है, लेकिन यह गुण बढ़ती उम्र के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए सही नहीं है क्योंकि इस वक्त बढ़ती उम्र के बच्चों को प्रॉपर डाइट की जरूरत है। गर्भवती महिला को भी अपने बच्चे के लिए प्रॉपर डाइट लेना जरूरी है, ऐसे में ग्रीन टी उनके लिए सही नहीं है। Subscribe our channel. Thank you.